कहीं किसी शहर में एक छोटा लड़का रहता था। उसके पिता एक अस्तबल में काम करते थे। लड़का रोजाना देखता था कि उसके पिता दिन रात घोड़ों की सेवा में खटते रहते, जबकि घोड़ों के रेंज का मालिक आलिशान तरीके से जिंदगी बिताता है और खूब मान सम्मान पाता है। यह सब देख लड़के ने यह सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसका भी एक बहुत बड़ा रेंज होगा जिसमें सैकड़ों बेहतरीन घोड़े पाले जाएंगे। एक दिन लड़के के स्कूल में सभी विद्यार्थियों से यह निबंध लिखने को कहा गया कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। लड़के ने रात में जाकर बड़ी मेहनत करके खूब लंबा निबंध लिखा, जिसमें उसने बताया कि वह बड़ा होकर घोड़ों के रेंज का मालिक बनेगा। उसने अपने सपने को पूरे विस्तार से लिखा और 200 एकड़ में रेंज की एक तस्वीर भी बनाई। लड़के ने उस निबंध में अपना दिल खोल कर रख दिया और अगले दिन शिक्षक को निबंध थमा दिया। 3 दिन बाद सभी विद्यार्थियों को अपनी कॉपियां वापस मिल गई। लड़के के निबंध के परिणाम में लाल स्याही से फेल लिखा हुआ था। वह कॉपी लेकर शिक्षक से मिलने गया। उसने पूछा, मुझे फेल क्यों किया गया? शिक्षक कहता है, तुम्हारा सपना मनगढ़ंत है और इसके साकार होने की कोई संभावना नहीं है। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बेहतर होता यदि तुम कोई छोटा मोटा काम करने के बारे में लिखते। मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ, तुम इस निबंध को दोबारा लिख दो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो, तो मैं तुम्हारे ग्रेड पर दोबारा विचार कर सकता हूँ। वह लड़का घर चला गया और पूरी रात यह सोचकर सो न सका। बहुत विचार करने के बाद उस शिक्षक को वही निबंध ज्यों का त्यों दे दिया और कहा, आप अपने फेल को कायम रखें और मैं अपने सपने को कायम रखूंगा। 20 साल बाद उसी शिक्षक को एक घुड़दौड़ का अंतरराष्ट्रीय मुकाबला देखने का अवसर मिला। वहां एक व्यक्ति ने आकर शिक्षक को आदरपूर्वक अपना परिचय दिया। घुड़दौड़ की दुनिया में बड़ा नाम बना चुका वह व्यक्ति वही छोटा लड़का था जिसने अपना सपना पूरा कर लिया था। यह एक सच्ची कहानी है। असल बात यह है कि खुली आंखों से जो सपना देखा करते हैं उनके सपने पूरे होते ही हैं।